हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेस। तो इस वीडियो के थ्रू आज संडे मॉर्निंग को हम आपके साथ तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं वो शेयर करेंगे। इसमें से दो स्कूल हैं जहां पे काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज की रिक्वायरमेंट है, और कुछ नॉन एकेडमिक पोजिशंस भी हैं जैसे लाइब्रेरियन, और वो दो अलग अलग शहरों में है। और जो तीसरा है इंस्टीट्यूट है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 34 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की परमानेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आपको जो भी सूट करता है आप उसमें डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते हैं वो आप मिस ना करें और वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये पहला स्कूल है जहाँ की वैकेंसीज हम आपको दिखाएंगे। ये वेबसाइट हमने उसकी ओपन करी हुई है, और इसमें जब आप करियर वाले सेक्शन में उनके जाएंगे करंट ओपनिंग्स में, तो वहां पे ये वैकेंसीज आपको दिखेंगी। सबसे पहले एक प्री प्राइमरी होम रूम टीचर उन्होंने मेंशन करा हुआ है, फिर एक पीवाईपी होम रूम टीचर, ये बेसिकली जो आईबी करिकुलम है उसके जो प्राइमरी सेक्शन में टीचर्स होते हैं उनके लिए है, फिर एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, स्पेनिश लैंग्वेज टीचर, हिंदी टीचर एंड देन कन्नड़ा लैंग्वेज टीचर, फिर एक स्पेशल एजुकेशन टीचर, करियर काउंसलर, देन आईबीडीपी बायोलॉजी टीचर, एक बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के लिए एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एक डॉर्म पेरेंट एंड एक असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजर, जो कि नॉन एकेडमिक पोजीशन है वो ओपन है। तो आप जिसके लिए भी आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं आप उसके ऊपर जब प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ी डिटेल वो उसकी वहां पे दिखाएंगे। जैसे बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपको एम कॉम विद बी एड होना चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है किसी इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल में, और ये आपको एडवांटेज मिलेगा, मतलब प्रेफरेंस उसके लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बायोलॉजी टीचर की बात करें तो उसमें एमएससी बायोलॉजी विद बीएड उन्होंने मांगा है, और 4 साल का एक्सपीरियंस उसके लिए उनको आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। तो ये बेसिकली आपने आपका जो एप्लीकेशन है वो ईमेल करना है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है jobs@snis.edu.in। तो जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे उसके साथ में आपने आपका आपका रिज्यूमे भेजना है, फिर उसके अलावा आपने एक लेटर ऑफ एप्लीकेशन भेजना है, और बेसिकली कवर लेटर, और तीसरा आपने दो जो आपको रेफर कर सके ऐसे दो लोगों के रेफरेंस कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपने भेजने हैं। तो ये सारी चीजें आपने स्कैन करके, जैसे रिज्यूमे तो सॉफ्ट कॉपी में होता है आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, बाकी दो चीजें आपने उनको जो है स्कैन करके भेजना है अगर आप उसे फिजिकल कॉपी पे बनाते हैं। लास्ट डेट इस पे कोई मेंशन नहीं है। स्कूल की वेबसाइट आप नोट कर लीजिए snis.edu.in। ये एक इंटरनेशनल स्कूल है और ये बेंगलोर में है, बेंगलोर के टॉप 20 स्कूल्स में ये आता है, शरण्य नारायणी इंटरनेशनल स्कूल। तो यहाँ पे वैकेंसीज हैं, सैलरी वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी पे करते हैं, और अगर आप उस एरिया में रहते हैं या आप क्वालिफाइड हैं तो आप सर्टेनली इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं। दूसरा जो स्कूल है वो एक दूसरे शहर में है, वो वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे स्कूल में जो वैकेंसीज हैं वो NCR में है, और ये हमने पहले भी एक दो बार डाला है लेकिन ये नई वैकेंसीज उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, ये लास्ट टाइम कवर नहीं हुई थी। तो इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी आप देखें वो एक स्टोरी नैरेटर एंड टीचर लाइब्रेरियन की है, तो आपसे ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेड है। स्कूल का नाम है पैथवेज स्कूल और ये गुड़गांव में है। 1 अक्टूबर को इन्होंने ये वेबसाइट के ऊपर डाला है जो उनका रिक्रूटमेंट पोर्टल है, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है ये। दूसरी जो पोजिशन है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है, मतलब अगर आप IT से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्ट मैनेजर, नॉन एकेडमिक पोजीशन है जो 11 सितंबर को डाली गई थी, और एक मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है मिडिल ईयर प्रोग्राम के लिए, ये 10 सितंबर को यहाँ पे इन्होंने डाला था पैथवेज स्कूल गुड़गांव में। तो ये चारों ही वैकेंसी जो टॉप पे हैं जो सितंबर और अक्टूबर में डाली गई हैं वो
गुड़गांव के स्कूल में है, पैथवे स्कूल गुड़गांव में। ये भी गुड़गांव के टॉप 20 स्कूल्स में आता है और बहुत ही अच्छा स्कूल है, अच्छी सैलरीज वो लोग पे करते हैं। अगर आपने पहले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर, उसके नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, और भी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन वो अगस्त में डाली गई थी तो हमको नहीं मालूम है कि वो अभी फिल हो चुकी हैं या अभी भी ओपन है। ऊपर वाली पोजीशंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ओपन है क्योंकि वो थोड़ा बाद में डाली गई हैं। तो इसमें अगर आप क्वालिफाई, तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैथ्स टीचर की हम बात करें, अप्लाई करने के लिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना होगा तो एक पेज उसी पे के ऊपर ओपन हो जाएगा। वहां पे आपका एक अप्लाई वाला बटन हो जाएगा और एक ईमेल आईडी भी वहां पे आ जाएगा। तो या तो आप ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, या फिर आप अप्लाई वाले टैब पर क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें भी नहीं दी हुई है, क्योंकि यूजुअली जैसा होता है प्राइवेट स्कूल्स में, जब तक वो पोजीशन फिल नहीं होती है तब तक वो ओपन है, और जब भी वो उनको कोई सुटेबल कैंडिडेट मिल जाएगा देन दे विल स्टॉप हायरिंग एंड दे विल स्टॉप एक्सेप्टिंग रिज्यूमेस फॉर दैट। तो आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पेज खोलने के लिए आपको पैथवेज स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। उस वेबसाइट में आपने करियर वाले सेक्शन में बेसिकली जाना है, तो ये वाला पेज वहां पे ओपन होता है जो pathways.in है। वहां पे आपने करियर सेक्शन में जाना है, फिर आपने ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, तो वो पेज ओपन होगा जहाँ पे हमने वैकेंसीज आपको दिखाई हैं और वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। तीसरी जो वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, परमानेंट पोजिशंस। सो ये जो वैकेंसीज हैं ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। थोड़ा पहले ये वैकेंसीज आई हैं, हमने इसके पहले शेयर नहीं करा है, और अगर आपने ये मिस कर दिया है तो आप ज़रूर, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर आप अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। 7 सितंबर को ये जारी हुआ था नोटिफिकेशन, तो लास्ट डेट नोट कर लें, आज से 3 दिन का टाइम है आपके पास, 4, 5 और 6, 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है जब तक आप, और चूंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट और सारी हार्ड कॉपीज यूनिवर्सिटी को भेजनी है, उसके लिए लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। तो टाइम है अभी आपके पास, बट अभी आपने थोड़ी जल्दी करनी होगी। जो वैकेंसीज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 40 पोजीशंस हैं। पे लेवल रहेगा वो 7, पे कमीशन के हिसाब से होगा। एसोसिएट प्रोफेसर की 41 पोजीशंस हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। जैसे नीचे बड़ा डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपने हिस्ट्री कल्चर और आर्कियोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोजीशंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोजीशंस हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोजीशन है, केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोजीशन है। तो उसी तरीके से आप नीचे जाएंगे तो कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, देन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन में भी है। हिस्ट्री के लिए उनको प्रोफेसर चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनको चाहिए, फिर आपका फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक्स एंड कॉन्ट्रेसिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस, म्यूजियोलॉजी, नर्सिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फार्मेसी, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन। तो बड़ा डिटेल में ये दिया हुआ है, आप ये वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इसीलिए जो भी रिजर्वेशन के रूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वहां पे लागू होंगे। तो ये आप अपने जो क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उसको वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, और इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, आपके वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद एक जो है आपकी मेरिट लिस्ट बेसिकली बनाई जाएगी, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है और साथ में आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है, उसके बाद आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक तरह से कह सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट्स को वो लोग इनवाइट करेंगे, ये इसमें नंबर्स यहाँ मेंशन नहीं करा गया है, और डिटेल में जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो भी इस पेज पे एटलीस्ट नहीं है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपने 1,000 रुपये पे करने हैं।
अगर आप SC ST PWD से हैं तो आपको ₹500 पे करने हैं, और वो ऑनलाइन होगा उनकी वेबसाइट के ऊपर। फिर आप ये जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपने हार्ड कॉपी भी भेजना है यूनिवर्सिटी को 15 अक्टूबर से पहले। इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है यहाँ पे, और डिटेल्स हैं कि आपने किस तरह से भेजना है। एक तो आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है, जिसमें प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, कास्ट, एप्लीकेशन फी डिटेल वगैरह, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म। फिर अगर आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं तो आपने एम्प्लॉयर का जो NOC है वो देना है, और सैलरी स्लिप भी लगानी है। और आपने ये 15 अक्टूबर से पहले इनके जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर पहुंच जाना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप खुद से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इनका रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जो IGNTU का, आप ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, recruitment.IGNTUonline.in। यहाँ पे आपने, चूंकि ये नया रजिस्ट्रेशन है, आप नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फिर फीस पे करनी है, और फिर उसका प्रिंट आउट निकालना है, जो आपने हार्ड कॉपी भी भेजनी है 15 अक्टूबर से पहले। और ये नोट कर ले कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 अक्टूबर, यानी परसों। तो आप इसके लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज।